हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आप सभी का इंग्लिश पहल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर है, आपको सामने दिख रहा होगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट टूट पड़िए क्वेश्चंस पर और पहले क्वेश्चन को देखते हैं, धनाधन उड़ा देते हैं। जितना हमने पढ़ा अभी तक उस हिसाब से द इंटरव्यूअर आस्क द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। सीधा सा मतलब ये कि सिलेक्शन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी होंगी, पूछा गया कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई एक होगी, तो सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन के लिए विच का यूज़ किया जाता है, ना कि व्हाट का। लीजिए पहले का आंसर, बड़ा आसान है। हम मैसेज आ रहे हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट देखिए, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। यहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है, कौन सा सर्वेंट था। हु हटाइए, विच लिखिए। सिलेक्शन के लिए विच लिखा जाता है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों में से सिलेक्शन के लिए चाहे ह्यूमन बींग हो, विच का यूज़ करें। गलत मत पढ़ा कीजिए कि विच नॉन लिविंग के लिए हमेशा आता है, नॉन लिविंग के लिए विच हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन बन के आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक्यूरेसी अपनी इतनी रखें। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस। देयर जो लिखा हुआ है यहाँ पे दे के लिए, रूलिंग पार्टी है सिंगुलर, ठीक है ना, इट्स लिखो, क्या लिखो यहाँ पे, इट्स पोलिटिकल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आइए, दिस इज़ द बॉय हुम आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब ध्यान से देखिए, यदि आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर तो जो हुम लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है बॉय के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये लिखा किसके लिए गया है, प्रेडिकेट है ये हेड से शुरू, ये आई थिंक तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, ये सारा प्रेडिकेट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब से शुरू है। सब्जेक्टिव केस हु होता है, हुम नहीं होता, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हु। वेयर एवर दे गो इंडियन ईजिली अडोप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। भैया अडोप्ट हमने लिख दिया यहाँ पर, अडोप्ट करते हैं तो किसको अडोप्ट करते हैं तो बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये खुद इंडियंस ही हैं, इंडियंस हो गए दे, ठीक है, तो अडोप्ट देमसेल्व्स लिख दीजिए। अडोप्ट देमसेल्व्स टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपैरिजन आप करते हैं ना, हमें इसे इक्वल किया कीजिए, कंपैरिजन किसका हो रहा है, ही का और मी का। अच्छा, ही है सब्जेक्टिव केस, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन सब्जेक्टिव का होना चाहिए था, तो आई को रिमूव करेंगे, मतलब मी को रिमूव करेंगे, आई लिखेंगे, लिखेंगे ही इज़ टॉलर देन आई। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एज वेल एज क्रिटिक्स एज डॉक्टर जॉनसन डिड फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। बड़ा आसान है, बोथ के साथ में आप एंड का यूज़ किया करें, एज वेल एज का ना, क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है एंड, जोड़ने के लिए आप एंड लिखें, ना कि एज वेल एज, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। ये सीधा कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें क्या सिखाया है, कि जो रिलीजियंस हैं हर एक को, दूसरे रिलीजियंस की ऐसी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जितने हम अपने करते हैं। तो ये जो हिज लिखा है ना, हमने ये लिखा है वन के अकॉर्डिंग, पजेशन है, पजेशन मान लिया ही है तो हिज लिखेंगे, और जो वन लिखा हुआ है ना, वन का पजेशन हिज नहीं होता, वंस होता है, क्या होता है वंस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस ऑन। नेक्स्ट पे आइए, ही यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। देखिए सेंटेंस में सेंस अभी मतलब एक गुड सेंस है, मतलब कि बैड सेंस नहीं है, अगर मैं कहूँ तो एक एवरेज सेंटेंस है। अब ये पर्सन का प्लेस थोड़ा ऐसे ही होता है, लेकिन पर्सन यदि तीनों दिए गए हैं ना, तो एक प्लेस तो हमेशा बना हुआ रहता है सेकेंड और थर्ड का आपस में, कि हमेशा ये तो बना ही रहेगा, अब फर्स्ट पहले लिखा जाए या बाद में, वो बाद की कंडीशन है, लेकिन टू और थर्ड तो हमेशा ऐसे रहते हैं तीनों में, तो ये ही गलत जगह पे आ गया, ऐसे लिखो इसे, इसे लिखिए यू के बाद में, सेकंड और थर्ड, यू ही एंड आई, ऐसे लिखें इसे, यू ही एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन ठीक से पढ़ा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हिम के लिए लिखा गया है, लेकिन हु तो सब्जेक्ट है। अच्छा, जब सब्जेक्ट है तो ये भी अपने सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, तो वॉज इट ही लिखें,
ऐसे लिखें वाज इट ही हु गॉट इंजर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन में एंटीसीडेंट के लिए लिखा जाता है वो भी तो बिल्कुल सेम कंडीशन में होना चाहिए। हु लिख रहे हो आप सब्जेक्टिव केस, हिम लिख रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव केस, तो उसके लिए कैसे लिख पाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों एक होने